हेलो स्टूडेंट्स, नाउ वी गोइंग फर्दर ऑन योर नेक्स्ट क्वेश्चंस दैट कॉस ए के माइनस साइन है और सेक ए माइनस कॉस ए को हमें ये प्रूव करना है। सिंपल सा क्वेश्चन है इसके अंदर, यहाँ पर आपको कॉस ए की जगह पर रखना है वन अपॉन साइन ए, यहाँ हो जाएगा माइनस साइन ए, डिवाइड में कुछ नहीं है तो वन। सेक का उल्टा होता है कॉस, तो ये हो जाएगा वन अपॉन कॉस ए माइनस कॉस ए अपॉन वन। यहाँ पर एलसीएम आ जाएगा आपका साइन ए, यहाँ पर आ जाएगा वन माइनस साइन स्क्वायर ए, और यहाँ पर जो एलसीएम आएगा वो आ जाएगा कॉस ए, यहाँ आ जाएगा वन माइनस कॉस स्क्वायर ए। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो वन माइनस साइन स्क्वायर ए आपका होता है कॉस स्क्वायर ए अपॉन में साइन ए इंटू में वन माइनस कॉस स्क्वायर ए जो होता है वो होता है आपका साइन स्क्वायर ए अपॉन में कॉस ए। यहाँ पर एक कॉस कैंसिल, एक साइन से एक साइन कैंसिल, तो यहाँ पर हमारे पास एल एच एस बच जाएगा कॉस ए साइन ए। इसके आगे भी हम कुछ सॉल्व नहीं कर सकते, तो ये आपका एल एच एस आ गया है। अब यहाँ पर हम आर एच एस सॉल्व करेंगे, तो आर एच एस जो है हमारा वो है वन अपॉन टेन ए प्लस कॉट ए, यहाँ पर वन अपॉन टेन होता है आपका साइन ए अपॉन कॉस ए प्लस कॉट होता है आपका कॉस ए अपॉन साइन ए। यहाँ पर वन अपॉन में जब हम एलसीएम लेंगे तो यहाँ पर हमें एलसीएम मिलेगा साइन ए कॉस ए, इन दोनों को साथ में लिख दिया मैंने, और यहाँ पर जब मैं इसका मल्टीप्लाई करूँगा क्रॉस मल्टीप्लाई तो साइन इंटू साइन क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर ए, कॉस इंटू कॉस हो जाएगा आपका कॉस स्क्वायर ए, डिवाइड के डिवाइड वैल्यू ऊपर चली जाएगी तो हमारे पास बचेगा साइन ए कॉस ए अपॉन में साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए। साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए यहाँ पर वन होता है, तो हमारे पास फाइनल वैल्यू बचेगी साइन ए कॉस ए। इजी सा क्वेश्चन था, आपको इन क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है। नाउ द नेक्स्ट एंड द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज, क्वेश्चन नंबर 10, दैट इज वन प्लस टेन स्क्वायर ए अपॉन वन प्लस कॉट स्क्वायर ए इज इक्वल टू टेन स्क्वायर ए हमें पुट करना है। यहाँ पर आप देखिए वन प्लस टेन स्क्वायर ए जो आइडेंटिटी रहती है उस आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग ये जो रहता है वो रहता है आपका सेक स्क्वायर ए अपॉन वन प्लस कॉट स्क्वायर ए जो रहता है ये आपका रहता है कॉसेक स्क्वायर ए। सेक जो रहता है कॉस का उल्टा होता है, तो सेक ए इज इक्वल टू होता है वन अपॉन कॉस ए, तो यहाँ पर सेक स्क्वायर ए है तो यहाँ पर हो जाएगा वन अपॉन कॉस स्क्वायर ए अपॉन में वन अपॉन साइन स्क्वायर ए। इसका हम रेसिप्रोकल कर देते हैं तो ये हो जाएगा वन अपॉन कॉस स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर ए अपॉन वन, तो यहाँ पर हो जाएगा साइन स्क्वायर ए अपॉन में कॉस स्क्वायर ए। वन का मल्टीप्लाई होगा तो साइन स्क्वायर हो जाएगा, कॉस स्क्वायर ए का मल्टीप्लाई होगा तो वन हो जाएगा, और साइन स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर ए विल बी टेन स्क्वायर ए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।